अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस प्रोडक्शन की वर्कशॉप का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक तरह का रिफ्रेशर सा कर दिया जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप सबको पहले से पता है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नए सिरे से पता चलेगी। मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक तरह का रिफ़्रेश किया जाए और कुछ नए आइडियाज़ बीच में आपको जब नई चीज़ों का पता चलता है, अगर चलेगा किसी नई चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली फिर आपके काम में उसके आइडियाज़ जो हैं वो उसकी वजह से डेवलप होते हैं। तो तीन चार चीज़ें हमने इस कोर्स के दौरान जो हम करेंगे हमने कवर करनी है। एक तो आज के दिन हम प्रोडक्शन को देखेंगे कि प्रोडक्शन है क्या, बेसिकली टीवी प्रोडक्शन, उसके स्टेप्स, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कुछ हम कैमरे के ऊपर टाइम सर्व करेंगे, हम देखेंगे कि कैमरा ISO क्या चीज़ है, वो अगर आज टाइम हुआ तो मैं दूसरे आवर में कैमरे का करवा दूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लेंस, कैमरा वगैरह इस किस्म की चीज़ों से जल्दी से पास थ्रू हो के, तो जो असल मकसद है जो वीडियो एडिटिंग और सॉफ्टवेयर और एडिटिंग का जो एक प्रोसेस है, जो दिमाग में प्रोसेस चल रहा होता है, उस पर हम आए। मेन मकसद हमारा यही है कि एडिटिंग को हमने फोकस करना है। लेकिन मेरे जहन में तो ये था कि जब तक हम बेसिक्स को ना देखें, बास चीज़ें हैं जो एस्पेक्ट रेशोज़ और ये वो, और उनको ना देखें तो फिर वो बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, या फिर उन चीज़ों का ख्याल नहीं होता जिस वक्त आप एडिटिंग कर रहे होते हैं। इस वजह से इन छोटी छोटी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री है टेलीविज़न की। अर्ली 1900s में टेलीविज़न का आगाज़ हुआ। उस वक्त क्या था, मैकेनिकल सिस्टम्स हुआ करते थे। बेसिकली एक चरखा सा होता था जो गोल घूमता, आप एक पॉइंट से उसको देखते थे तो आपको लगता था कि बेसिकली तस्वीरें लगी होती थी एक गोल सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर, और आप एक जगह से उसे देख रहे होते थे। जब उसको तेज़ी से घुमाते थे लगता था घोड़ा चल रहा है, बंदा पैदल चल रहा है, वो इस किस्म का। तो बेसिक जो उसकी जो आगाज़ हुआ है टेलीविज़न का 1900s में, बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई है, हर चीज़ जो है उन्होंने ऑटोमेट करनी शुरू की है। यूरोप वगैरह में जब मशीनें और स्टीम इंजन, उसी ज़माने में फिर ये जो है टेलीविज़न का है। 1927 में पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न जो है, जिसमें कैमरा और दूसरी साइड पे तस्वीर प्रोजेक्ट करना, ये सारा सिस्टम जो है 1927 में आ चुका था। 1944 तक जो है कलर टेलीविज़न आ चुका था, और 1970 तक जो है सारे टेलीविज़न चैनल्स जो थे, इंक्लूडिंग पीटीवी जो है वो हमारा अर्लीस्ट कलर टेलीविज़न चैनल जो दुनिया में आया उनमें से एक था। तो ये तो बेसिक छोटी सी हिस्ट्री है टेलीविज़न की। तो अब हम आते हैं बेसिकली वीडियो, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो वीडियो के साथ है टेलीविज़न। और अब बेसिकली चूँकि मीडियम सिर्फ टेलीविज़न नहीं है, अब मीडियम आपका ये स्मार्टफोन भी है, टैबलेट भी है, ठीक है, अब मीडियम जो है वो आपका टीवी स्क्रीन्स भी हैं। बेसिकली अब हम कहते हैं स्क्रीन्स, हम जिस वक्त बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपसे वो पूछते हैं कि आपके इंटेंडेड ऑडियंस किस स्क्रीन की है, आपने टीवी पे दिखाना है। और मोस्टली जो भी प्रोजेक्ट अब बनता है वो मल्टी स्क्रीन के लिए बनता है। वो कहते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो छोटे लेवल से छोटी स्क्रीन पर भी सही नज़र आए और बड़ी स्क्रीन पर भी सही नज़र आए। तो सबसे पहले एनालॉग का ज़माना था, पहले 1995 अर्ली 90s तक एनालॉग रहा है, उसमें कैसेट टेप डालते थे, उस पर रिकॉर्डिंग होती थी, वही ब्रॉडकास्ट होता था, घर में हम एंटीने लगाते थे, ठीक है, वो बेसिकली एनालॉग ओल्ड स्टैंडर्ड्स थे। 1995 के बाद जिस वक्त कंप्यूटर ने बहुत तरक्की किया है, पेंटियम वगैरह ये प्रोसेसर आए हैं जिस वक्त, ये बहुत हाई स्पीड प्रोसेसर थे, ये इतने तेज़ थे कि वीडियो को प्रोसेस कर सकते थे। तो उस वजह से फिर डिजिटल टेलीविज़न जो है वो उसका आगाज़ हुआ है मिड 90s के बाद। उसमें अगर आपको याद हो, शुरू में छोटी छोटी वीडियोस थी, फिर उनके साइज़ बड़े होते गए, क्वालिटी बड़ी होती गई। तो बेसिकली जो डिजिटल वीडियो है या डिजिटल इमेज है, बेसिकली डिजिटल वीडियो क्या है कि हम कहते हैं 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में 25 तस्वीरें तेज़ी से गुजर रही हैं आपकी नज़र के आगे से, और चूंकि वो इतनी तेज़ी से गुजरती हैं कि आपकी परसेप्शन के ये दो तस्वीरें थीं, यानी तेज़ी से तस्वीरें हमारे सामने से गुजर गई हैं, वो ख़त्म हो जाती है और हमें लगता है कि
एक मूवमेंट है, मसलन अगर मैंने ऐसे हाथ ऐसे किया, एक सेकंड में मैंने हाथ यहाँ से यहाँ लेके गया हूँ, तो उसकी 25 तस्वीरें हैं जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। तो वो एक फ्रेम जो है, जो एक तस्वीर है, उसमें जो बेसिक यूनिट है, जो एक जिस चीज़ से वो फ्रेम मिलके बनता है, उसको हम कहते हैं पिक्सल। वो वीडियो में या इमेज में किसी चीज़ में भी, जो भी डिजिटल इमेज है जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो पिक्सल्स पिक्सल से मिलके बनता है, ठीक। तो आगे अब जो चीज़ हमने देखनी है वीडियो में, वो है कि इमेज साइज़ क्या है, इमेज साइज़ क्या चीज़ है, फ्रेम रेट क्या चीज़ है, और एस्पेक्ट रेशियो क्या चीज़ है। ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बेसिकली यहाँ से क्लियर है ना, ये तो इजी है कोई। हम कहते हैं जी कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। आप कहते हैं जी 800x600 रेजोल्यूशन है, या 18। आप कहते हैं कि जी हम HD वीडियो में काम कर रहे हैं, तो 1080x something उसकी रेजोल्यूशन है। क्या मतलब है, इतने पिक्सल्स 1080 वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में इतने पिक्सल्स, और वर्टिकल में इतने पिक्सल्स। तो वो हम कहते हैं कि इतने बाय इतने का इमेज है, यानी बेसिकली हम पिक्सल्स काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एस्पेक्ट रेशियो क्या चीज़ है। एस्पेक्ट रेशियो ये है कि जो रेशियो है कि विड्थ और हाइट के दरमियान जो रेशियो है, कि कोई तस्वीर कितनी बड़ी है, कितनी विड्थ वाइज कितनी बड़ी है और हाइट वाइज कितनी बड़ी है, वो एस्पेक्ट रेशियो। जो पुराने ज़माने का टेलीविज़न था, जो PTV वगैरह और इवन MTA, इट इज़ 4x3, ठीक है। और अब हम जो अब MTA है वो हो गया है वाइड स्क्रीन 16x9, यानी आप समझें कि अगर हम इसके 16 पार्ट्स कर दें इधर और 9 पार्ट्स कर दें इधर, इक्वल साइज के अगर पार्ट्स हों, तो 16 पार्ट्स इधर और 9 पार्ट्स इधर, तो 16x9 हमारी एस्पेक्ट रेशियो है। अभी भी अफ्रीका में, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में टेलीविजन्स वही पुराने वाले टेलीविजन पिक्चर ट्यूब वाले चलते हैं, वो है 4x3। इस वजह से हमें वो कहते हैं जिस वक्त कि आपने प्रोग्राम जब बनाना है, तो उस वक्त आपने, हमें सबको QC आती है कि जी आपका जो टेक्स्ट है वो 4x3 के अंदर नहीं है। हालांकि अगर आप 16x9 के हिसाब से देखें, तो आपने अगर टेक्स्ट यहाँ पे करके रखा है, अब वो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं टाइटल सेफ एरिया। टाइटल सेफ एरिया का मतलब ये है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं आप, यहाँ से थोड़ा छोड़ देते हैं, यहाँ से थोड़ा छोड़ देते हैं, और उसके अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट रखेंगे तो वो सेफ़ है। कोई भी स्क्रीन अगर थोड़ी बहुत ही अलाइनमेंट उसकी ख़राब है, फिर भी वो टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। लेकिन हम जब वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ये वाली चीज़ इसके ऊपर रखें, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे तक साइज़ ये होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब कि यहाँ से इतना कट जाएगा, यहाँ से इतना कट जाएगा, ठीक है। और 4x3 के हिसाब से टेक्स्ट लगाएं, वो अगर 69 के हिसाब से लगता तो यहाँ लगना था, 4x3 के हिसाब से यहाँ लगेगा, यानी डबल ट्रिपल हमें काटना, साइड पे जगह छोड़नी पड़ी है। इसकी अगर आपने बेस्ट एग्जांपल देखनी है ना, अगर आप चाहते कि दुनिया में लोग किस तरीके से इसको कर रहे हैं, तो आप डॉचे वेले टेलीविज़न देखें। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो है वो जो बनाते हैं वो 69 में होते हैं, लेकिन 4x3 की एस्पेक्ट रेशियो से टेक्स्ट, और इतने ज़बरदस्त तरीके से वो, उनकी फ्रेमिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो पता भी नहीं लगता कि ये 4x3 के हिसाब से किया हुआ है, और दोनों पे वो खूबसूरत लगती है, उनकी फ्रेमिंग बहुत खूबसूरत है। सिनेमास्कोप जो आप फिल्म देखते हैं जाके सिनेमा में, वो होती है 21x9। इसी वजह से जब हम 69 की स्क्रीन पर भी जब उसको देखते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई डिस्टोर्शन ना आए, जो मतलब जो उसकी, अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे, इस चीज़ को अगर इस पर रखें आप, और आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, यहाँ से थोड़ा सा खींच के बड़ा कर दें, तो चेहरे वगैरह स्ट्रेच कर जाएंगे ना। इसी तरह अगर आप इसको उठा के इस पर रखते हैं, आप कहते हैं यार ये मुझे काला नहीं अच्छा लग रहा, आप कहते हैं कि इसको स्ट्रेच कर दो, यहाँ से ऐसे स्ट्रेच कर दिया, यहाँ से ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। इसी वजह से आप देखें, मोस्टली हमने यही किया होता है। तो ये जियो वगैरह जितने चैनल हम देखते हैं, उन पर जी वो चौड़ी चौड़ी शक्लें नज़र आती हैं, वो इस वजह से कि हम सही एस्पेक्ट रेशियो में नहीं देख रहे। जो इंटेंडेड एस्पेक्ट रेशियो है वो 4x3 की है। क्लियर कामरान साहब? अच्छा, तो सिनेमास्कोप इसी वजह से 69 पे भी होने के मिलते जुलते हैं, उसके बावजूद यहाँ ऊपर नीचे दो पट्टियाँ आ रही होती हैं। वो पट्टियाँ इसीलिए आ रही होती हैं कि उसकी एस्पेक्ट रेशियो और भी बढ़िया है, यानी वो इमेज और भी बड़ा है, तो वो उसको जब आपने छोटा किया है, तो ऊपर नीचे जो है उसकी बार्स आ गई। तो ये तो है बेसिकली
एस्पेक्ट रेशियो। अब फ्रेम रेट क्या चीज है? फ्रेम रेट बेसिकली कितने इंसानी आंख जो है, अगर उसके आगे से 15 तस्वीरें एक सक्सेशन में आप गुजारें ना, 15 तस्वीरें अगर आप एक सक्सेशन में गुजारें, तो ये परसेप्शन के एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर आई है, वो इंसानी दिमाग उसको नहीं पता लगता। वो अगर आपने सिर्फ पंद्रह तस्वीरें, जितने कार्टून है ना मोस्टली वो तकरीबन 15-16 फ्रेम्स पर सेकंड पे बनते हैं, क्योंकि कार्टून जो कि पुराने ज़माने में तो ड्रॉ करना पड़ता था ना, तो इस वजह से वो अब नॉर्मल वीडियो तो 25 फ्रेम पर सेकंड है, लेकिन कार्टून में एक एक फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है, तो अमूमन 16 फ्रेम पर सेकंड पे वो ड्रॉ कर इतना ही रखते हैं। यानी एक तो एक फ्रेम में हाथियाँ, एक में यहाँ, एक में यहाँ, एक में यहाँ, एक में यहाँ, 15 तस्वीरें तेज़ी से गुजारी, आपको लगा कि हाथ बड़ा फ्लूडली मूव। अब जितना ज़्यादा आपने उसको स्मूथ करना है, उतने आप फ्रेम रेट बढ़ाते जाएँ। जैसे हमारे कैमरे जो है 5D जो है 160 फ्रेम्स पर सेकंड है, 60, ये जो हमारा बिलवड अरसा कैमरा है वो 120 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो स्लो मोशन ले लेता है, ठीक है। वो स्लो मोशन इस तरह हो जाता है कि जिस तरह आप वो 160 फ्रेम्स पर सेकंड पे आपने वीडियो बनाई है, लेकिन जब आप उसको 25 फ्रेम पर सेकंड पर चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि फ्रेम ज़्यादा हैं तो वो मूवमेंट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। तो बेसिकली एक सेकंड में कितने फ्रेम्स गुजर रहे हैं आपकी नज़र के सामने से, वो है फ्रेम्स पर सेकंड। अभी अक्सर होता है कि जी 25 फ्रेम पर सेकंड और 30 फ्रेम पर सेकंड, आखिर इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर ये है कि जिन मुल्कों में बिजली, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, और कुछ बाज़ मुल्कों में 60 हर्ट्ज़, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा, जो 60 वाले मुल्क हैं ना उनमें 30 फ्रेम पर सेकंड चलता है, ठीक है। जो 50 वाले मुल्क हैं वहाँ पे 25 फ्रेम पर सेकंड चलता है, इस वजह से कि जब पुराने ज़माने में टेलीविज़न ईजाद हुआ था तो तस्वीर दिखाने के लिए बिजली के हिसाब से कि बिल्कुल एक तस्वीर सही नज़र आए टेलीविज़न पे, कोई कैलकुलेशन करके उन्होंने ये हिसाब लगाया कि 30 और 25 होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से 25 और 30 का डिफरेंस है, जो शुरू में तो इस वजह से था, लेकिन डिजिटल में तो अब ख़त्म हो गई ये बात, लेकिन अब भी चल रहा है। अब वो एक चीज़ जब बन जाती है, जब इक्विपमेंट उस हिसाब से बन जाता है, फिर वो चलता रहता है स्टैंडर्ड्स। इस वजह से जिन मुल्कों में 60 हर्ट्ज़ वाली बिजली है उनमें 30 फ्रेम पर सेकंड वाली वीडियो चलती है, NTSC जिसे आप कहते हैं, ओके। यही मैं अभी बात कर रहा था कि अगर आप 69 की स्क्रीन के ऊपर 4:3 का इमेज देखना चाहते हैं बगैर डिस्टॉर्ट किया है उसको, यानी कि वो ख़राब ना हो, उसको खींचे ना, स्ट्रेच ना हो, तो फिर साइडों पे पट्टियाँ नज़र आएंगी, ठीक है। और अगर 4:3 के ऊपर आपने 16:9 देखना है तो फिर यहाँ इस तरह पट्टियाँ नज़र आएंगी। बेसिकली ये ब्लैक बार्स इस वजह से नज़र आ रही है कि आपको इमेज को छोटा बड़ा करके तो उसके हिसाब से पूरा करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना अब, ओके। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली, अब दुनिया में जो टेलीविज़न स्टैंडर्ड्स जो दुनिया में हैं या जो थे, जो मेन जो टेलीविज़न स्टैंडर्ड्स थे, बेसिकली स्टैंडर्ड इस वजह से होता है कि हर कंपनी जब टेलीविज़न बनाना शुरू कर देती है तो आपको क्या यकीन है कि आपके टेलीविज़न चैनल जो है वो इस टेलीविज़न पे आएगा और इस पे इस दूसरा भी उसको रिसीव करेगा। जो मैकेनिक्स है, जो सिस्टम है, मसलन जैसे सिम डालते हैं आप मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, अगर आप वारद पे हैं तो वारद को रिसीव करने के लिए वारद की सिम डालनी पड़ती है, ऐसे ही है ना। तो वो वारद की सिम एक स्टैंडर्ड है बेसिकली वारद के लिए। इसी तरह अगर आपने NTSC सिग्नल रिसीव करना है तो उसके लिए आपके, उन्होंने दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर देती हैं कि भाई अगर NTSC का सिग्नल है तो उसके ये फ़ीचर होने चाहिए, उसका फ्रेम रेट इतना होना चाहिए, उसके स्क्रीन का साइज़ इतना होना चाहिए, जो भी उसकी हैं रिक्वायरमेंट्स। इस वजह से जब आप टीवी लेके आते हैं, आप कहते हैं जी हमारे पाकिस्तान में तो पाल चलता है, आप जाते हैं बाज़ार, आप कहते हैं जी यार अच्छी पाल है, वो कहते हैं है, आप वो ले आते हैं, ठीक है। आप ला के टीवी ऑन करते हैं, एंटीना लगाते हैं, टीवी तस्वीर आ जाती है, लेकिन आप NTSC का टीवी उठा लाएँ नहीं आएगी तस्वीर, या सही नहीं आएगी, ठीक है। तो दुनिया में जो 3 मेजर एनालॉग के ज़माने में टीवी स्टैंडर्ड्स थे उनमें एक था NTSC, एक था सीकम और एक था पाल, ठीक है। और बेसिकली
एनटीएससी, अब जो एनालॉग जो था ना, एनालॉग जो टेलीविजन था उसका बेसिक यूनिट पिक्सल नहीं था, उसका बेसिक यूनिट था लाइन। बेसिकली क्या होता था कि ये लिखा हुआ है ना 525 लाइन, ठीक है, इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक 525 लाइंस में उसने उस तस्वीर को डिवाइड किया। तस्वीर एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, वो टीवी का जो जो पीछे गन लगी, कभी देखी आपने गन, जो पिक्चर ट्यूब के पीछे गन लगी हुई है, वो गन जो है ना तेजी से स्कैन करती थी तस्वीर, मतलब उसके ऊपर स्क्रीन पर तेजी से वैसे फेंकती थी, और एक सेकंड में 525 लाइनें बनती थी, ठीक है, और आपको एक फ्रेम नजर आता था। तो बेसिकली छोटी छोटी आप जैसे डिवाइड कर दो ना ग्रिड में, एक तस्वीर है उसको 525 लाइन में डिवाइड कर दो, तो इस वो बेसिकली एनटीएससी में 525 लाइंस, पाल सिकम में 625 लाइंस, ठीक है। पाल का जो जो रेजोल्यूशन है, स्क्रीन साइज है, वो थोड़ा बड़ा है सिकम के, एनटीएससी के निस्बत, ठीक है। तो बेसिकली ये एक है, ये ख़त्म हो चुका है अब ये किसी जगह पे भी, मतलब ये चीज़ जो है स्वाई अफ्रीका वगैरह में कहीं नहीं हो रही। अब आ जाते हैं डिजिटल की तरफ, छोड़ देते हैं एनालॉग को। डिजिटल में बेसिकली हम लोगों ने अराउंड 2005 तक काम किया एसडी में, ठीक है, एसडी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, यहाँ तक क्लियर है, इजी है ना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन बेसिकली क्या था कि वही साइज़ जो पाल या एनटीएससी का इमेज साइज था, उसी को जब उन्होंने डिजिटल में कन्वर्ट किया तो उन्होंने साइज़ों को नहीं छेड़ा, उन्होंने सिर्फ ये किया कि हम इस तस्वीर को एनालॉग से बस डिजिटल में ले जाते हैं, डिजिटल जिस तरीके से भी वो लेके गए, उन जिस तरीके से भी उसको डिजिटल बना दिया, तो जो फ्रेम साइज़ था, जो तस्वीर का साइज था, वो सेम था, तो उसको हम कहते थे स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद ज़ाहिर है तरक्की हो गई, उन्होंने कहा यार ये क्वालिटी तो बिल्कुल बेकार है, उन्होंने कहा अच्छा जी अब फिर हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं HD हाई डेफिनेशन, जिसको हम कहते हैं 720p, 720 पिक्सल्स, ठीक है, यानी कि अक्रॉस 720 पिक्सल्स हैं ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है 720x576, बेसिकली इस वाले को हम लेते हैं ना, तो 720x576 है या 720x480 है NTSC, डिपेंडिंग ऑन पाल या NTSC जो भी आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये तो कोई मज़ा नहीं आ रहा, तो तस्वीर की क्वालिटी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा हम क्या करते हैं उसको बढ़ा देते हैं, उन्होंने कहा 720x720 ये हमारा था जब इनिशियली जब HD शुरू हुआ है तो ये रेजोल्यूशन थी जिसे हम 720p कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया फ्रेम रेट जो है वो 1080 आ गया जो हमारा स्टैंडर्ड है MTA का, फिर उसके बाद 4K आ गया वो है 3840x2160, ठीक है, अब 8K की बातें हो रही हैं, 10K की बातें हो रही हैं, हर रोज़ वो जो हर साल जो नया ट्रेड शो होता है उसमें वो अगले पिक्सल्स बढ़ा के कहते जी ये देखिए हमने और भी कर दिया। 40 कुछ अर्से पहले BBC और जापान का जो NHK है उन्होंने तजर्बा किया था 40 40K की तस्वीर उन्होंने वीडियो जो है ब्रॉडकास्ट किया है BBC से, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइनें और पता नहीं कौन कौन से, लेकिन उन्होंने इस हद तक वो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन होता ही है कि अडेप्टबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसके कहते अडेप्ट लोगों ने क्या किया, इसको इस टेक्नोलॉजी को आए 2 साल हो गए हैं 4K को, हर घर में अभी 4K नहीं है, यूरोप में शायद हो, अमरीका में शायद आ गया हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बहरहाल 4K अभी अडॉप्शन रेट नहीं है, हमारी कोई चैनल अभी 4K में जो है ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा, इवन अब यूरोप अमेरिका में भी चैनल 4K में ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहे, 4K लोग लेते हैं फिल्म देखने के लिए, जो ब्लू रे लेके आते हैं ना DVD जो फिल्म देखनी होती है उन्हें, उसके लिए लोग 4K लेके आते हैं TV की, उस पर हम फिल्म देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हैं रेजोल्यूशंस, हम काम करते हैं 1080 में, ठीक है, हम काम करते हैं 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे, ठीक है, ये हमारी मेन चीज़ें हैं, 25 फ्रेम्स पर सेकंड, 69 और 1080, तीनों चीज़ें हो गई ना, एस्पेक्ट रेशियो क्या है और फ्रेम रेट क्या है। अब ये साइज कंपैरिजन है बेसिकली, आप अंदाजा करो कि TV हम ये देखते थे
जो हम सारी जिंदगी हमने बचपन देखा है ना टीवी, वो एसडीए साइड पे, ठीक है, और वो उसके ऊपर 1080 है, उसके ऊपर फिर 4K, 5K, 6K, 8K, ठीक है। अब इसकी बातें हो रही है, जितना ज़्यादा इमेज साइज होगा, बेसिकली इमेज साइज बड़ा है ना, उतनी ज़्यादा डिटेल होगी, उतने ज़्यादा पिक्सल हैं। अब मेरा नाक है, लेट्स से अगर नाक मेरा जो है वो 100 पिक्सल से मेरा नाक बन रहा है, ठीक है, 8K में जो है वो 10,000 पिक्सल से मेरा नाक बन रहा है, वो एक एक पिक्सल जो है उसमें मेरे नाक की डिटेल है, यानी कि उसके जो भी उसकी शेप वगैरह है, जो भी डिटेल है, उतनी ऑब्वियसली फिर उतनी ज़्यादा डिटेल्ड, इतनी ज़्यादा बेहतर तस्वीर होगी। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की कि प्रोग्राम की टाइप्स क्या होती हैं जो दुनिया में प्रोडक्शन हम मतलब होती है। मोस्टली क्या है, रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं, चिल्ड्रन प्रोग्राम्स हैं, करंट अफेयर्स, रियलिटी शो, म्यूजिक ड्रामा, ये सिर्फ एक एक ओवरव्यू है, हज़ारों किस्म के प्रोग्राम्स हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो सेटअप है उसमें प्रोडक्शन रोल्स इस तरह से असाइंड नहीं है, सब लोग सब काम करते हैं, ऑब्वियसली बंदे थोड़े हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर, टैलेंट, टैलेंट वो है जो बंदा जो काम कर रहा है जिससे आपने बुलवाना है, हाफिज मुहफ्फिज साहब टैलेंट है, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर, कैमरामैन, लाइट मैन, सेट डिज़ाइनर, साउंड डिज़ाइनर, टेक्नीशियंस, ये बेसिकली हर कोई अपना काम अलग-अलग करता है, ठीक है, कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं देता, और वो हर एक की काम की एक वो होती है कि भाई अगर लाइट मैन कह रहा है कि लाइट नहीं सही, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हर एक का एक वेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्शन की एक पूरी टीम होती है। प्रोडक्शन के फेजेस क्या होते हैं, ठीक है, बेसिकली प्रोडक्शन के तीन फेजेस हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। सबको पता है, बिफोर, प्रोग्राम रिकॉर्ड होने से पहले, जब प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और जब प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया है उसके बाद के प्रोसेस। प्री प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई और आप तैयारी कर रहे हैं, और ये आपके प्रोडक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्री प्रोडक्शन करें किसी भी प्रोजेक्ट की, आपको पता है उमर उमर टेलीथॉन करता है, उमर के 2 हफ्ते प्री प्रोडक्शन में गुजरते हैं टेलीथॉन से पहले। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ जो है वो पहले से प्लान करनी होती है कि ये चीज़ हमने उसे दिखानी है, हमने ये फलाने टाइम पे ये होगा, फलाने टाइम पे ये होगा। मशीन पिछली दफ़ा की फ्लॉलेस थी, जो क्या है वो टेलीथॉन थी, लाइव प्रोग्राम था 8 घंटे का, बीच में छोटे मोटे ग्लिच आ जाते हैं, वो कोई चीज़ नहीं होती, लाइव प्रोडक्शन यही चीज़ होती है। वो इस वजह से फ्लॉलेस थी कि प्री प्रोडक्शन भी फ्लॉलेस थी, ठीक है। अगर प्री प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, तो आप बंदे को ला के बिठा देंगे, जी हम तैयारी कर लें, यही होता है ना, अभी इधर नोट ऐसे जल्दी जल्दी नोट्स देख रहे होते हैं, दैट इज़ नॉट प्री प्रोडक्शन। उसकी वजह से वो जो उनकी एजिटेशन है, जो उनकी ये चीज़ कि मैंने तैयारी नहीं की हुई, वो स्क्रीन पे फिर आती है, पर आप उसको उसको किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्री प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज जो है वो प्री प्रोडक्शन है। और प्री प्रोडक्शन में आप डिसाइड क्या करते हैं, प्री प्रोडक्शन में जब इनिशियल प्रोडक्शन मीटिंग होती हैं उसमें आप डिसाइड ये करते हैं कि हमने ये प्रोग्राम किसके लिए बनाना है, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपको पता हो कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तो फिर आप उसकी ज़रूरियात का ख्याल रख सकते हैं, आप उसको प्रोग्राम ऐसा बना सकते हैं जो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो। आप कहें जी मैंने 10वीं 11वीं के बच्चे के लिए प्रोग्राम बनाना है, और क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने शुरू कर दें आप जो उसके ऊपर से गुजर जाएं, उसको नहीं समझ आएगी। अब मोस्टली आप देख लें कि जहाँ पे भी ऐसी बात हो जाए जो उस बंदे के लिए नहीं हो, तो उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दिमाग को सीखने वाले उसमें लाने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इस वजह से अपने ऑडियंस के मिजाज को देख के अगर प्रोग्राम बने तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अब प्री प्रोडक्शन में क्या होता है,
प्री प्रोडक्शन के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर कर लें तो आप सोखे रहेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन तो हो जाती है, हमें आसानी ये है कि हमारे प्रोग्राम एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो वो जो लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं वो आदी हो जाते हैं, उनको पता होता है हमने क्या करना है। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आप इधर उधर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोग हर वक्त एक ही काम नहीं कर रहे होते, वो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अगर इस तरह की प्रेपरेशन हुई हो तो सबको पता होता है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले बेसिक आइडिया, प्रोग्राम जो है वो किस बारे में है, उसका इंटेंडेड टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोग्राम का स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, ठीक। फिर है सेट डिज़ाइनिंग, लाइटिंग डिसाइड होगी, ठीक है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि अच्छा इसके प्रेजेंटर्स कौन है, ठीक है, और प्रोडक्शन का स्टाफ कौन होगा, कैमरे पे कौन होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिहर्सल नहीं करते हम, रिहर्सल एक फुल ड्रेस रिहर्सल होती है और एक टेबल रीडिंग होती है। टेबल रीडिंग ये होती है कि उसमें आप सिर्फ स्क्रिप्ट लेके बैठ जाते हैं और आप कहते हैं कि ड्राई रिहर्सल जिसे आप कह लें, कि आप सिर्फ कहते हैं कि अच्छा जी आपस पर डिस्कस करें जो आपने करना है, अगर लेट्स से डिस्कशन प्रोग्राम है। और फुल ड्रेस रिहर्सल ये होती है कि उसमें बाकायदा प्रेजेंटर आके बैठता है, जैसे हमने टेलीथॉन के लिए की थी, फुल रिहर्सल की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली प्री प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो है ब्रॉडकास्ट, लाइव रिकॉर्डेड। प्रोडक्शन किसके लिए हो रही है, या अगर लाइव होनी है या रिकॉर्डेड होनी है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। अगर लाइव होनी है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है, उसमें आपकी प्री प्रोडक्शन 100% होनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। प्रोडक्शन के फेजेस, कैमरा वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो स्विचिंग, ऑडियो स्विचिंग, ऑनलाइन ग्राफिक्स, लाइट मैनेजमेंट, जो प्रोडक्शन में काम होते हैं, ठीक है। हर एक काम जो है वो अपनी उसमें इम्पोर्टेंट है। ये तस्वीर जो है वो उसकी है, शेफ कॉर्नर की, ये बाहर हमने किया था, तकरीबन रात को 2:30 बजे की तस्वीर है ये रमज़ान में। पोस्ट प्रोडक्शन में अब आपने कहना अच्छा आ जाया करो, आके सेट सही कराया करो, लेकिन जो सेट वगैरह को डिसमेंटल करना और ये सारे काम पोस्ट प्रोडक्शन क्रू के ज़िम्मे होते हैं। प्रोडक्शन वाले अपना कैमरा कुमरा, अमूमन क्या होता है, प्रोडक्शन वाले अपना कैमरा वर्क करके सारा करके वो चले जाते हैं, उसके बाद जितना बाद का वाइंड अप का काम है वो पोस्ट प्रोडक्शन की टीम होती है, वो आती है, वो आके वाइंड अप करती है, ठीक है। क्योंकि वो सारा दिन खड़े होके, 8 घंटे खड़े होके आपने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, तो आप इतने थक चुके होते हैं कि आप फिर आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप तारे समेटें, तो उस वजह से पोस्ट प्रोडक्शन की टीम आती है और वो आके वाइंड अप करती है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कोई पैसे पूसे देने हैं, कैटरिंग शेटरिंग, ये वो सारा पोस्ट प्रोडक्शन में जो मेन जो टेक्निकल काम है वो है एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स और प्रोग्राम के इवेल्यूएशन, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली इस जो हम वर्कशॉप जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं वो जा रहे हैं एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स, बेसिक फोकस हमारा ये होगा। कैमरा, लाइट्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट होते हैं, इन सबसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकफ हैं, इनमें से किसी चीज़ की आपको बताने की जरूरत नहीं। तो बेसिक तो ये था ओवरव्यू। अब इसके बाद एक और जो है वो है कैमरा बेसिक्स का, अगर तो आप लोगों ने 5-10 मिनट की ब्रेक लेनी है तो ले लें, तो उसके बाद मैं कैमरा बेसिक्स करवा का वो शुरू करवा देता हूँ।